अब बात कर लेते हैं बसंत सोरेन मामले की। तो सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन की खनन कंपनी ग्रैंड माइनिंग के मामले में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुनवाई हुई। बीजेपी ने उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग की शिकायत करते हुए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में मांग की गई थी कि बसंत सोरेन को अयोग्य घोषित किया जाए। ऐसे मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी को भी अपना पक्ष रखने को कहा है। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे कि ये दूसरी बड़ी घटना इस राज्य की राजनीति से जुड़ी हुई। दुमका से विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई हुई है। चुनाव आयोग ने बीजेपी को भी अपना पक्ष रखने को कहा है क्योंकि ये जो आरोप लगाया गया है ये बीजेपी की ओर से ही लगाया गया है। पहले शिकायत की गई राज्यपाल से, फिर राज्यपाल ने इस मामले को ईसीआई को भेजा। तो अब बीजेपी को अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है। अब इस मामले में आगे क्या होगा ये भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग में बसंत सोरेन की ओर से अपना पक्ष रख दिया गया है। ग्रैंड माइनिंग कंपनी से जुड़ा मामला है और पद का दुरुपयोग करने और सत्ता में रहते हुए फायदा उठाने का ये आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी, पद का दुरुपयोग करने की शिकायत की गई थी। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हालांकि दूसरी जानकारी यह भी दे दें हम कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ऐसे एक मामले में इस वक्त उन्होंने को अपना पक्ष रखना है, लेकिन उन्हें 14 जून तक की मोहलत मिली हुई है ईसीआई से। फिलहाल एक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।